यार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या हो मशीन लर्निंग, इन सब के बारे में तो हम सब जानते हैं। और यार अगर ऐसे में बात निकल के आ जाए एआई ऑप्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, तो यार डेफिनेटली इस चीज के बारे में शायद हमें ना पता हो। तो यार आज अब वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आपसे आज बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि एआई ऑप्स किस तरीके से हमारी मदद करती है किसी भी इंडस्ट्री या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। आपसे बात करता हूं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड बेसिकली वो ड्राइव हुआ हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है। अब यार दोस्तों हम अगर हैं इंसान तो यार हमारे पास ऐसा क्या है जो कि हमें एक इंसान कहलाने के लायक बनाता है। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करता हूं ना हम इंसानों की, तो हम इंसानों के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा होती है और ऐसे में यार अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मान लो कि अगर हमें कोई चीज समझनी हो या फिर अगर हमें कोई चीज देखनी हो तो हम जैसे उसको देखते हैं वैसे में पता चल जाता है कि वो जो चीज थी सामने वो क्या थी। अब ऐसे में यार अगर हम बात करें मशीन्स की, तो मशीन्स को क्योंकि अगर हम अलग अलग पैटर्न से फिर अलग अलग एंगल से जो है कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी चीज दिखाते हैं तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। उनका जो टास्क है वो बिग टास्क है वो कंप्लीटली इंटैकल हो जाता है और ऐसे में यार उनको जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग सिनेरियो को हम जो है वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपने ह्यूमन ब्रेन के यानी कि हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, उस तरीके से हम जो है उस एक्ट को कॉपी करते हैं, उस नेटवर्क को कॉपी करते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। और वो जो न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली वो क्या करता है, उसको अगर हम करते हैं कॉपी तो हम कहते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और इसकी मदद से हम जो है उस चीज़ को यानी कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन हो रही है वो करते हैं फीड मशीन के अंदर एक नॉट्स की फॉर्म में, एंड देन आउटपुट प्रोवाइड करता है मशीन हमें प्रिडिक्शन की फॉर्म में। और उससे हमें ये मालूम चलता है कि मशीन जो है वो एग्जैक्टली कितना अच्छी तरीके से ट्रेन हुआ है। अब यार ये तो बात हो गई हम इंसानों की, अब बिल्कुल एक दूसरे दिन बोलूंगा ना डिसिमिलैरिटीज होती है दोनों के बीच में। जो काम इंसान कर सकता है हो सकता है वो काम मशीन ना करती हो, और जो काम मशीन करती है हो सकता है वो काम इंसान ना करता हो। अब ऐसे में यार अगर बात निकल के आ जाए ना दोनों की एक्यूरेसी की, तो डेफिनेटली अगर काम रिगार्डिंग है मशीन्स के तो मशीन्स की एक्यूरेसी नो डाउट कि ह्यूमन से अच्छी होगी। अब मान लो कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूँ तो आप जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आप जो है उसको दो या फिर तीन घंटों में सॉल्व कर सकोगे। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम मैं अगर मशीन के अंदर फीड करता हूँ और मशीन को कहता हूँ कि भाई मुझे इसका रिजल्ट चाहिए और ये रिजल्ट जो है इसका मुझे प्रोवाइड कर दो, तो मशीन जो है मशीन हमें ईजी तरीके से एकदम रैपिडली जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। और ऐसे में यार उस सिनेरियो के अंदर क्योंकि मशीन के पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करने की, और वो अपने टास्क को एकदम प्रिसाइजली हमें पहुंचा देती है, हम तक प्रोवाइड कर देती है। और यार इसी सिनेरियो को हम कहते हैं एआई ऑप्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसके अंदर बात करता हूँ गूगल, आईबीएम या फिर एप्पल वगैरह की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की, जैसे आपके पास आईटी इंडस्ट्री हो गई जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप्ड कंपनीज आती हैं। अब इसके अंदर यार ये कंपनी अपने आप को किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से सारे टास्क जो है वो कंप्लीट करती है, तो यार ये ऑपरेशन होते हैं बेसिकली एआई ऑपरेशन। और यार इसी की मदद से जो है वो अपने टास्क या अपने सर्वर जो है उसको मैनेज कर पाती हैं। अब यार दोस्तों ऐसे सिमिलर सी बात हमारे सामने निकल के आ जाती है कि हम जो है अपने सर्वर या फिर अपने जो बेसिकली कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसको किस तरीके से ऑपरेट कर पाएं, किस तरीके से प्रिसाइजली ऑपरेट कर पाएं और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो कि हमें बाद में ट्रबल दे। तो इसीलिए हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट्स हो गए या फिर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम्स हो गए उसको जो है आप लोग काम में लेते हैं अपने सर्वर्स को या फिर अपने नेटवर्क को जो है वो मॉनिटर करने के लिए, और अपने सर्वर्स की या फिर अपने नेटवर्क की या फिर कोई भी ऐसा टास्क जो कि आप इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो या फिर कंपनी के अंदर कर रहे हो तो वो मैनेजमेंट जो है वो आप डालते हो एआई के रिस्पॉन्सिबल, और वो जो है वो एआई बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और वो उसको प्रिसाइजली और एकदम एक्यूरेटली आपको जो है वो अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हैं। अगर दोस्तों एआई ऑप्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लोगों के अंदर के लोग ये सोचते हैं कि एआई ऑप्स एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों एआई एकदम सिंपल सी टर्म है, इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है।
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, और ये उन ऑपरेशंस के अंदर काम ले सकते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं। मतलब मान लो कि गूगल है, तो गूगल के पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, और क्योंकि वो सर्वर्स इसलिए रखे हुए हैं ताकि उनके जो एप्लीकेशन हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर यूज हुए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं लोग। इसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल की, जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल सर्च इंजन की, जिसमें आपसे बात करता हूँ गूगल बिग टेबल, या फिर गूगल आपके पास असिस्टेंट की। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, जैसे सारे जो आपके पास बोलूंगा, तो सॉफ्टवेयर जो गूगल ने आपके बनाई आपके लिए है, तो ये सारे जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं या फिर आपके पास एप्लीकेशन हैं, ये यूज़ होती हैं, और इनके लॉग्स या फिर इनके परफॉर्मेंस मेट्रिक जो है वो स्टोर होते हैं उन सर्वर्स के अंदर, ताकि बाद में वो जो डेटा है उसको गूगल अपने काम में ले सके। और अलग अलग आइडियाज़ को पिक करके अलग अलग पेटेंट तैयार होंगे, और पेटेंट के बाद उन आइडियाज़ को रियलिटी में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी सी चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग के पास डेटा जो है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा है और जितना ज़्यादा अच्छा डेटा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी जो है आज के टाइम पे सक्सेसफुल कंसीडर की जाती है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ डेटा की, तो इसके अंदर आपके पास आता है बिग डेटा, जो कि हम काम में लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा होता है, और इस डेटा के अंदर हम लोग डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस डेटा के अंदर से यूजफुल इंसाइट्स यानी कि यूजफुल डेटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन फाइनली सारी सेटिस्फेक्शन के बाद हम लोग उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, और उससे आइडिया भी लेते हैं कि हमें अपना बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। अब ऐसे में अगर बात आ जाए ना एक्यूरेसी की, तो क्योंकि मशीन्स के अंदर काफी ज्यादा एक्यूरेसी होती है, और ऐसे में यार मशीन्स जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेटली जो है वो काम करती है एज कंपेयर टू ह्यूमन। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको ये चीज देनी है, तो आप इजीली समझ जाओगे, आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे में आपसे बात करता हूं ना मशीन्स की, तो मशीन को क्योंकि पिक्टोरली ट्रेन करना काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग भरा काम है, और यार ऐसे में अगर वो एक दफा ट्रेन हो जाए, तो प्रिडिक्शन की शक्ल में जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है, एंड देन आप उस आउटपुट को अपने एक्चुअल सेल से कंपेयर करके ये पता लगा दो कि आपका मशीन जो है वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है, या फिर उसने कितने ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को जो अपना रिजल्ट है बेसिकली उसको पोर्ट्रे किया है। तो ये काफी ज्यादा कमाल की चीजें होती है, और ये AI जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इसको हम लेते हैं बड़े बड़े कंपनीज के अंदर काम में, जिसमें आपसे बात करता हूँ गूगल की, IBM, एप्पल की, या फिर Amazon वगैरह की। तो ये क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोसेसेस या फिर अपने बिजनेस को जो है वो फास्टर और काफी ज्यादा रिलायबल और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और यार ऑन टाइम वो स्केलेबल भी रहे, इस चीज के लिए वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के प्रोसेसेस के अंदर, ताकि उनके जो प्रोसेसेस जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर आपको लगता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो डेफिनेटली एरर या फिर बग आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और ऐसे में प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मशीन जो है वो काफी ज्यादा प्रिसाइसली काम करती है, और मशीन का आउटपुट जो है वो एकदम प्रिसाइज होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हम जो है वो अपने प्रोसेसेस को जो कि हमारे इंडस्ट्री में हो रहे हैं, अपने बिजनेस में हो रहे हैं, उसको एक्यूरेट और एकदम प्रिसाइजली बना पाए, ताकि ओवरऑल यार हमारे कस्टमर्स के जो रिजल्ट्स हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर पहुंचे, जो प्रोडक्ट पहुंचे, वो एकदम अच्छा हो। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी AIOps यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, और हमने जाना कि किस किस तरीके से हम लोग जो है इसको इंडस्ट्री या फिर कंपनीज के अंदर काम में लेते हैं, अलग अलग सर्वर्स के साथ में लेते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के लिए साथ में लेते हैं, और बहुत से अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको काम में लेते हैं, डिपेंडिंग कि आपका पर्पस जो है वो क्या है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना इसकी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।